दिल्ली एक ऐसा शहर जिसका दिल धड़कता है हर वक्त अपने लाइव वायर कल्चर की वजह से। दिल्ली का मजा, दिल्ली की कहानियाँ, दिल्ली के दिल वाले लोग सब मिलकर देते हैं दिल्ली को वो मसालेदार फ्लेवर जो एक टाइम में बॉलीवुड की मूवीज में नजर आना करीब करीब बंद सा हो गया था, मगर अपने कैरेक्टर्स में दिल्ली के धड़कते दिल और मजेदार दिल्ली ब्रांड के ह्यूमर को एक बार फिर बॉलीवुड में जगह दिलाई एक फिल्म मेकर ने, जो दिल्ली की गलियों से निकलकर आ पहुंचे मुंबई और बन गए अब बॉलीवुड स्टोरी टेलर। वेलकम टू बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स, बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी, जहां हमारे आज के स्टोरी टेलर हैं दिबाकर बैनर्जी। अपनी हर फिल्म में एक नया वाइब, एक नया अंदाज लेकर आने वाले दिबाकर बैनर्जी अपनी स्टोरी टेलिंग स्टाइल से लेकर आए हैं बॉलीवुड में एक फ्रेश कंटेम्प्रेरी टेक, और उनकी पहली दो मूवीज शायद उन्हीं गलियों से गुजर के आई जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया। The gully where I lived, it was in central Delhi, Punjabi dominated. You would know in a gully, there would be one or two Bengali families. And you'd always know ke wahan Bengali rehte hain. And the rest of them were Punjabis or other North Indians. Alley outside a house doubled as a courtyard for the whole neighborhood. Because in the winters, the aunties would come out with their mudas and sit there and have gajak and badam and the winter things that you have in North India. दिबाकर हैं दिल्ली के एक मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से आए वो फिल्म मेकर जिन्होंने अपने इसी बैकग्राउंड को बना लिया पहली दो फिल्मों का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट, जो एक नजर में भले लगे वेरी हटके फिल्म्स बेस्ड इन दिल्ली विद कैरेक्टर्स फ्रॉम द सिटी, पर दिबाकर मानते हैं कि उनकी फिल्म्स कन्वेंशनल कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म्स से अलग नहीं है। आई थिंक आई एम द मोस्ट in some ways conventional and commercial filmmaker. It's just that my treatment hides the plot. If you see the plot of Khosla Ka Ghosla, it is exactly the same as many such prodigal son fights with his father, goes away and comes back and they fight the common enemy. It could be Trishul, it could be Ziddi. लेकिन बॉलीवुड के स्टार स्टडेड बिग बजट फिल्म से कहीं दूर दिबाकर की सिग्नेचर फिल्म मेकिंग स्टाइल ने उनको ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी के करीब ला खड़ा किया, और उनकी मूवीज इन मेस्ट्रोज की क्लासिक मूवीज के साथ कंपेयर की जाने लगी। ये वो स्टोरीज हैं जिनमें इंडियन मिडिल क्लास सटायर का सही एसेंस नजर आता है, जहां हर मुस्कान के पीछे छिपे आंसू की झलक है और हर आंसू के बाद आई मुस्कान की हकीकत भी। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, लो बजट्स, विटी दिल्ली डाउज्ड डायलॉग्स, लोकलाइज्ड कैरेक्टर्स, दिबाकर की मूवीज लेकर आई वो स्टोरीज जो ऑडियंस को एंटरटेन करते करते बॉलीवुड में लेकर आई एक न्यू वेव ऑफ फिल्म्स। उनकी हर स्टोरी, हर कैरेक्टर में हमें उनकी चीजों को गहराई से देखने और महसूस करने की झलक मिलती है। कैरेक्टर्स जो फिल्मी नहीं होते हुए भी नेचुरली फनी हैं। सीन्स जिनको देखते वक्त आपको अपने आसपास हुए न जाने कितने नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स याद आ जाएंगे, और यही डिटेलिंग दिबाकर की मूवीज को सिर्फ मूवीज नहीं एक एक्सपीरियंस बना देती है। और इस एड फिल्म मेकर टर्न बॉलीवुड फिल्म मेकर की ये सक्सेस शायद किसी किसी को ओवरनाइट सक्सेस नजर आ सकती है, लेकिन इस फिल्म के मेकिंग के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। When Khosla Ka Ghosla happened, I didn't know jack shit. I think it was only made because I had and my producer, Tandav Films, had the courage of the ignorant. We just didn't know what we were doing, and I think that saved us. Being an experienced ad filmmaker, Dibakar hai ek efficient storyteller. Hence, Khosla Ka Ghosla ko shoot karne mein unko 45 days hi lage. Magar is offbeat movie ko release kar pana itna aasan nahi tha. With almost no star cast and an almost unknown director, Khosla Ka Ghosla thi Bollywood studios ke liye ek risky movie. Do movies mein Dibakar ke paas Anupam Kher aur Boman Irani jaise stalwart character artist the. Magar ye Bollywood ka wo daur tha jab conventionally aisi movies ke liye koi takers nahi hua karte. बट इट वॉज दिबाकर कन्विक्शन, और वो इस मूवी की रिलीज के लिए 3-4 सालों का वेट करते रहे। You would have a lot of distributor screenings, you would have a lot of producer screenings, and everybody would come out and say, it is a very good film. It's just that they didn't have the courage at that point to put the money where their mouth was. They had probably written it off, but they had written it off as a good film that probably would never get released. घोसला का घोसला ने न सिर्फ दिबाकर बल्कि कई ऐसे फिल्म मेकर्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए जिनकी स्मॉल बजट मूवीज को कोई पूछता भी नहीं था। सडनली वी सॉ स्वॉर्म ऑफ स्मॉल बजट मूवीज गेटिंग रिलीज्ड इन बॉलीवुड, और इस मूवी की सक्सेस ने बना दिया दिबाकर को वन ऑफ बॉलीवुड मोस्ट प्रॉमिसिंग डायरेक्टर्स।
दिल्ली के कल्चर और क्वर्क्स बन गई उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल की एक पहचान. फ्रॉम अनुपम खेर टू बोमन ईरानी एंड फ्रॉम रणवीर शौरी टू विनय पाठक, हर कैरेक्टर ने फिल्म की स्टोरी में जान डाल दी थी. कहते हैं टू मेक बोमन ईरानी अंडरस्टैंड हिज कैरेक्टर, दिबाकर ने उनको दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर्स के वो वीडियोस भी दिखाए जो उन्होंने फिल्म बनाने के पहले हिडन कैमरा से रिसर्च के लिए शूट किए थे. दिबाकर के लिए फिल्म की स्टार कास्ट जुटाना भी एक बड़ा टास्क था. दिबाकर बनर्जी और जयदीप सानी खोसला का घोसला का स्क्रिप्ट लेके घूम रहे थे, मुझे मिलने आए थे शाम को 4 बजे के करीब. एंड आई वॉज विद देम टिल 8 o'clock. आई वॉज सो मेस्मराइज्ड विद देयर स्क्रिप्ट. जैसा उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था वैसी उन्होंने फिल्म बनाई है. और मूवी में किसी बड़े स्टार की जो कमी पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को अखर रही थी, सडनली बन गई फिल्म का प्लस पॉइंट. बिकॉज मेड एट अ शूस्ट्रिंग बजट, खोसला का घोसला वॉज अ श्योर शॉट विनर एट द बॉक्स ऑफिस. इतना ही नहीं, दिबाकर की इस क्लासिक मिडिल क्लास मास्टरपीस से कॉमेडी फिल्म्स के किंग कहे जाने वाले प्रियदर्शन इतना इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने इस मूवी के रीमेक राइट्स लेकर इसे तमिल में प्रोड्यूस किया एज पोई सोलापुरम. अपनी डेब्यू मूवी से ही रीजनल बैरियर्स को क्रॉस करके लोगों का दिल जीत लेने वाले दिबाकर के इस मैजिक के पीछे है उनकी वो मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग जो पूरे इंडिया की पहचान है. I remember radio and television hugely because they kind of clocked our existence in our house. I mean, 7 o'clock in the morning the radio would start and we will know exactly when to have our breakfast and when to head for the school bus. It was timed by the programs. And the radio was on for us to know what exact time it is. और दिबाकर को मिला एक और सील ऑफ अप्रूवल व्हेन खोसला का घोसला वन द प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड. फॉर दिबाकर दिस वाज ऑलमोस्ट लाइक फुलफिलिंग हिज ग्रेट इंडियन ड्रीम. देन वी गॉट द न्यूज ऑफ द नेशनल अवार्ड. इट वाज लाइक फॉर मी द फर्स्ट थिंग अबाउट इट, ओके नाउ आई कैन कॉल माय पेरेंट्स अप एंड टेल देम, बिकॉज़ दैट्स द अल्टीमेट मार्क ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी दैट अ मिडिल क्लास बॉय कैन हैव इन इंडिया. दिबाकर का एक और सबसे बड़ा अचीवमेंट है बॉलीवुड में दिल्ली के एसेंस की वापसी. उसी साल रिलीज हुई एक और दिल्ली बेस्ड फिल्म रंग दे बसंती के साथ खोसला का घोसला एक बड़ा रीजन थी बॉलीवुड में वही दिल्ली वाला फ्लेवर वापस लाने में जो वक्त के साथ कहीं खोसा गया था. अपनी पहली फिल्म की सुपर सक्सेस के बाद, जैसा कि हर फिल्म मेकर का एक ड्रीम होता है, नाउ दिबाकर आल्सो वांटेड टू ट्राई हिज हैंड इन अ बिग बजट कमर्शियल बॉलीवुड मूवी. क्या बॉलीवुड ने दिबाकर का ये ड्रीम पूरा किया? डिड ही गेट लकी विद हिज ड्रीम्स? वी विल सी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक ओनली ऑन बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स. बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी विद दिबाकर बैनर्जी. वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स. बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी, जिसमें आज के हमारे एस स्टोरी टेलर हैं दिबाकर बैनर्जी. दिल्ली से निकलकर बॉलीवुड आ पहुंचे दिबाकर ने अपनी डेब्यू मूवी खोसला का घोसला से कर दिया था सभी को इम्प्रेस. और अपनी अगली दो मूवीज से उन्होंने बॉलीवुड में अपने पैर जमा लिए. ये दो मूवीज थी ओए लकी लकी ओए और लव सेक्स और धोखा. कन्वेंशनल बॉलीवुड फॉर्मूला स्टोरी टेलिंग से दूर ये दोनों मूवीज थी एजी, प्रोवोकेटिव एंड डिफरेंट. बट वॉज दिस लाइनअप ऑफ मूवीज कमिंग फ्रॉम अ फिल्म मेकर हु वॉज ऑलरेडी ब्रांडेड एज अ जेन नेक्स्ट बॉलीवुड डायरेक्टर बाय हिज ओन डिजाइन, और वॉज इट जस्ट बाय chance? When Khosla Ka Ghosla finished, I had two scripts. One was a typically very ambitious, very big budgeted film, which everybody politely smiled at me and said, yeah, it's very nice script, but we'll talk about it. Because they knew that the guy's done just one film, which is not very expensive, and he doesn't have the experience to do that next film. Studio saw that Oye Lucky was the logical next step from Khosla. It was Delhi, it had humor, it had a zany character, so they just put money in it. Otherwise, if somebody had been foolish enough to give me the money for that big budget film that I was talking about, I would have made that big budget film, and probably it would have been a disaster. ये फिल्म एक बार फिर बेस्ड थी दिल्ली में, लेकिन जहां खोसला का घोसला के मेन किरदार में थी एक इनोसेंस और हेल्पलेसनेस, वहीं ओए लकी लकी ओए का हीरो था सुपर चोर बंटी की लाइफ से इंस्पायर्ड. मूवी के टाइटल में ही दिल्ली में लोगों को पुकारे जाने वाले अलग अंदाज की झलक थी. और मूवी का ट्रीटमेंट खोसला का घोसला से बिल्कुल अलग. फिर चाहे वो दिल्ली के रंगीन मिजाज कैरेक्टर्स हों या वहाँ के ढोल ताशों वाला म्यूजिक, यहाँ तक कि कैरेक्टर्स के डायलॉग्स तक में वो दिल्लियाना अंदाज था जो था खोसला का घोसला से बिल्कुल अलग और रस्टिक. दिबाकर ने इस मूवी में फिर से एक बड़ा रिस्क लिया बाय गोइंग फॉर अ टोटली डिफरेंट म्यूजिक ट्रैक.
ओए लकी अपने कूल प्रिमाइस के साथ साथ अपने यूनिक म्यूजिक के लिए भी काफी अप्रिशिएट की गई, जिसने प्रूव कर दिया कि दिबाकर हैज अ डिस्टिंक्ट ईयर फॉर म्यूजिक. आफ्टर ऑल हिज चाइल्डहुड वाज इमर्स्ड इन वेरियस स्कूल्स ऑफ म्यूजिक थैंक्स टू हिज मदर. शी एक्चुअली सिंग्स एवरीथिंग फ्रॉम इंडियन क्लासिकल टू इंडियन फोक एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, बंगाली रवींद्रसंगीत, नजरुल गीति, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, व्हाटएवर व्हाटएवर. शी इज अ टीचर, सो माय मदर हैज ऑलवेज बीन टीचिंग एंड माय हाउस हैज ऑलवेज बीन फुल ऑफ माय मदर स्टूडेंट्स. इतना ही नहीं, ओए लकी में दिबाकर ने 70s के हिट सॉन्ग्स को एक नए फ्लेवर में प्रेजेंट करके हिंदी मूवीज को अपनी एक ओड भी दी थी. फिल्म्स वर अ ह्यूज ह्यूज पार्ट ऑफ माय एग्जिस्टेंस बिकॉज़ देयर वाज लिबर्टी सिनेमा राइट नेक्स्ट टू आवर हाउस एंड आई रिमेंबर गोइंग एंड वाचिंग हिट्स ऑफ द अर्ली 80s और लेट 70s. माय फर्स्ट फिल्म इन लिबर्टी सिनेमा वाज नया जमाना, व्हिच वाज आई थिंक आई वाज लाइक 4. एक आम बंगाली फैमिली में पले बड़े एक आम से लड़के दिबाकर, जिसने अपना ज्यादातर बचपन सेंट्रल दिल्ली की एक आम सी गली में गुजारा था. पड़ोस के सिनेमा हॉल में हिंदी फिल्में देखना तो उनके लिए आम बात थी, लेकिन फिल्म मेकिंग जैसे अनकन्वेंशनल फील्ड में अपना करियर बनाना उनके लिए एक दूर का ख्याल था. It only happened around the 11th or 12th when my parents realized that I was not going the conventional way, so they were a little worried. But when after class 12th I sat for the entrance examination of National Institute of Design, and when I got through NID, they were kind of okay, because in those days you get through an institute and now there is at the end of 4 years there's a diploma or a degree and after that you will get a job, then you're done. That comfort soon evaporated when I was chucked out of the institute in about 2.5 years for having lots of incompletes, because there also I was again not really concentrating on my course but concentrating on everything outside of the course. लेकिन अपने कोर्स पर ध्यान ना दे पाने के लिए भी दिबाकर के पास एक रीजन था. वही रीजन आगे जाकर बना दिबाकर के दिबाकर द स्टोरी टेलर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह. टुडे व्हाटएवर आई एम, आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ ऑल दैट कैन बी अस्क्राइब्ड टू माय एक्सपोजर टू दैट ह्यूज अननोन वर्ल्ड एंड इट्स इन एनआईडी व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग सीरियसली व्हाट्स कंसीडर्ड द क्लासिक्स ऑफ सिनेमा फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर. उनका इंस्टीट्यूट दिबाकर के लिए था एक कल्चर शॉक. यहाँ उनका इंट्रोडक्शन हुआ एक नई दुनिया से और उन्हें मिल गया वो रास्ता जिस पर चलने के बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एज अ कॉपी राइटर एंड सून ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल एड फिल्म मेकर एंड अ स्टोरी टेलर. लेकिन सक्सेस के इस मुकाम पर पहुँच कर भी वो अपनी फिल्मों के स्टोरी बोर्ड खुद बनाते हैं और उनकी मूवी के हर सीन के पीछे होता है दिबाकर का बनाया गया एक स्टोरी बोर्ड. If you look at Oye Lucky, except the ending, it is Great Gambler, it is Diwar. It is about a guy who has a disinherited childhood, who walks away from his family and tells his family that look, I will now prove to you that I will have big Alishan Makan and I'll have my shadi in a 5-star hotel and I have this girl and I have this and the police are looking for me. If you match it, it's the same story. It's just the treatment is different. Now, Dibakar was ready to tread new ground with his next movie, जो बेस्ड तो थी नॉर्थ इंडिया में, मगर वॉयरिज्म के रिस्की टॉपिक पर बेस्ड उनकी ये नेक्स्ट मूवी थी उनकी अब तक बनाई मूवी से काफी अलग और एक ब्रेव अटेम्प्ट. लव, सेक्स और धोखा, पॉपुलरली नोन एज LSD, कई मायनों में एक पाथ ब्रेकिंग मूवी थी. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स शॉकिंग स्टोरी लाइन, जिसमें ऑनर किलिंग से लेकर CCTV कैमरास का मिसयूज, वॉयरिज्म एंड स्टिंग ऑपरेशंस जैसे बिटर ट्रूथ्स छिपे थे, बल्कि LSD के ट्रीटमेंट ने भी इसे अब तक की मूवी से डिफरेंट बना दिया. इट वॉज शॉट 100% digital. Love, Sex, and Dhoka got made because I was into a very dark space and I had gone and lectured at an institute about the digital medium of filmmaking and I had some really interesting thoughts and ideas on how to deal with that. And while I was talking, I realized that here I am, I'm talking to them and I'm not doing it and I'm a filmmaker. And if I don't do it, then who will do it? In fact, LSD ko lekar Dibakar ka conviction itna strong tha ki unhone apni dream big budget movie banane ka chance chhodkar LSD banane ka challenging task choose kiya. At that time, Balaji Motion Pictures Ekta contacted me and they mistakenly thought that I had that big budget film that I talked about to make. It was all serendipity because I met Ekta. I said that, see, last 6 months I have developed this and I'm very excited about this. Ekta said, tell me. So I narrated the thing to her and she said, this is what I need to do for Alt, her new production company, as its debut film.
एलएसडी के डार्क ट्रीटमेंट ने ना सिर्फ दिबाकर के फैंस को बल्कि उनके क्रिटिक्स को भी उनकी एबिलिटीज को एक नए नजरिए से देखने में मदद की। इन मेनी वेज इट वॉज एन आई ओपनर कि लाइट हार्टेड मूवीज बनाने के लिए जाने जाने वाले दिबाकर खुद को इस तरह से फिर री इन्वेंट कर सकते हैं और अपने इस डार्क ट्रीटमेंट से सबको शॉक कर सकते हैं। उनकी अगली मूवी के सब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस भी कहीं न कहीं उनके ग्रोइंग अप इयर्स में रखा था, मगर इस बार बजट और स्टार कास्ट पिछली मूवी से कहीं ज्यादा बड़े थे। क्या था वो सब्जेक्ट और कैसे वो एक बार फिर छिपा ले जाते हैं कई सीरियस मोमेंट्स को अपने ट्रीटमेंट के साथ। वी विल सी राइट आफ्टर दिस ब्रेक विद दिबाकर बैनर्जी। When your films gives ready solutions, black and white villains, then you get a little more people to watch it because people want to be comforted into believing that this is a villain and this is a hero and all is well. Welcome back to Bollywood Storytellers, B-Town ke Gen Next Directors ki kahani with Dibakar Banerjee. Dibakar ne apne next project ke liye pick ki ek book, the Greek novel Z. किताबें बचपन से ही उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है और इस फिल्म के साथ दिबाकर ने एक बार फिर साबित किया कि वो अपनी लाइफ को कितनी अहमियत देते हैं। My house was always full of books. We had a lending library, Bengali lending library, which used to come every Friday, twice in a week. And there would be this guy coming in a cycle with a bag full of Bengali books. And my grandmother was the most avid member of this club and she would take two or three books every week and she would read them and I would sneak and read them too. Dibakar's modern Indian interpretation of the novel Z with a stylish treatment was called Shanghai, jo release hui mid-2012 mein. Pehli baar Dibakar ki film mein thi ek badi star cast, jahan Imran Hashmi ek porn filmmaker ka ahem kirdar play kar rahe the. Wahin film mein the Bengali filmon ke superstar Prosenjit Chatterjee. Saath hi saath unki filmon mein thi Kalki और अभय देओल जो निभा रहे थे एक साउथ इंडियन ब्यूरोक्रेट का पावरफुल कैरेक्टर। एक पॉलिटिकल थ्रिलर प्लॉट पर बेस्ड इस कहानी में दिबाकर ने अंधेरी गलियों में शंघाई का मिराज ढूंढते इंडिया की एक स्टार्क रियलिटी को दे दिया अपना स्टाइलिश ट्विस्ट। एंड एट इट्स हार्ट ये डार्क ग्रिटी पॉलिटिकल थ्रिलर भी एक मेनस्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड मूवी ही थी। शंघाई एज अ प्लॉट इज द मोस्ट कमर्शियल फॉर्मुलाइक फिल्म दैट यू कैन एवर सी, सो इट्स अ स्ट्रेट आउट रिवेंज सागा। शंघाई दिबाकर का एक स्टेटमेंट था आज के अर्बन लाइफस्टाइल और सिटी लाइफ पर, और इस मूवी का इंस्पिरेशन भी दिबाकर के लिए वो सिटी लाइफ ही है जो उन्होंने अब तक जी है। एंड जस्ट लाइक एनी अदर फिल्म्स ऑफ हिज, इवन शंघाई बिकम्स अ पर्सनल वॉइस फॉर दिबाकर। 20 माले की बिल्डिंग की खिड़की से एक वर्ल्ड दिखता है जो ये वाला वर्ल्ड है, और मेरे 20 माले की फ्लैट में एक दूसरा वर्ल्ड है, और दोनों फ्लैट के बीच में एक कभी कभी एक कन्फ्रंटेशन होती है, कभी कभी फ्रेंडशिप होती है। इन दोनों के मेल मिलाप से ही जो दुनिया निकल के आती है वो दुनिया हमको दिखती है शंघाई में। और जब फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स ने उसे हाथों हाथ लिया, लेकिन अच्छे रिव्यूज के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर शंघाई को सिर्फ एवरेज सक्सेस ही मिली, हालांकि उन्हें मिला इंडस्ट्री से मच नीडेड सपोर्ट। दिबाकर बैनर्जी ने बॉलीवुड में अपने 6 सालों के करियर में बनाई हैं 4 फिल्में, और उनकी हर फिल्म बेस्ड है सोसाइटी के उन अनछुए पहलुओं पर जहां तक आम फिल्म मेकर्स की निगाहें नहीं जाती, जिसके जरिए वो इन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज पर एक हल्के फुल्के अंदाज में कॉमेंट कर जाते हैं। बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी में ये थी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड यूनिक फिल्म मेकर्स ऑफ आवर टाइम दिबाकर बैनर्जी की कहानी। I have liked the fact that my films are more well known than I am. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और फिल्म मेकर से जिन्होंने दिया है बॉलीवुड फिल्म मेकिंग को एक नया डिमेंशन। Until we meet again, you keep watching Zoom India's number 1 Bollywood channel.